लो इंजीनियर्स, होप सो आपने हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने बात किए थे कई करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने बात किए थे एमटेक, एमएस और उसके कई एडवांटेजेस के बारे में। सो उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, पार्ट टू उसका। सो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So now MBA, Master of Business Administration. See guys, MS और MTech ये technical oriented है, जिसमें आप data manage करना सीखते हो। वही MBA में आप इंसानों को, resources को manage करना सीखते हो, ठीक है। अब duration की बात करें तो 1 से 2 साल का ये course होता है, जिसमें fee की अगर बात करें हम तो 7 लाख से 25 लाख अराउंड अप्रॉक्स cost होता है, depending on college to college। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूँ अगर तो देर आर लाइक CAT, SAT, SNAP एंड GMAT। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपको जाना है तो आप GMAT के थ्रू जा सकते हो। डिफरेंट स्टेट्स की भी एग्ज़ाम होती है, जैसे फॉर महाराष्ट्र पीपल देर इज CET, MHCET। नाउ यू कैन डू MBA अलग अलग स्ट्रीम्स में, लाइक ऑपरेशंस में कर सकते हो आप, फाइनेंस में कर सकते हो आप, मार्केटिंग में एक्सेट्रा, ठीक है। अब करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो करियर की बात करें तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, आप ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हो, आप मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। अब आफ्टर MBA व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड सैलरी, तो सैलरी की बात करूँ तो सी गाइस, 5 लाख टू 20 लाख पर एनम के बीच मिलती है आपको सैलरी अगर आपको जॉब लगा। अच्छा, अब कुछ लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, MBA क्या है, PGDM क्या है और MMS क्या है, ठीक है, ये तीनों प्रोग्राम अलग है या क्या है। सो अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, ओके, हम उसमें भी वीडियो बना देंगे। सो नाउ फाइनली जॉब, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे आगे पढ़ना भी नहीं है, मुझे बस जॉब करना है, अब नहीं होती पढ़ाई, ये आंसर रहता है, सही, ओके। सो जॉब, सी गाइस, कुछ ये लाइन सुनी सुनी आपको लगती होगी, जब आप 12th से निकल के इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे पहली बार कॉलेज देखने, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ था, उसमें आपको आपके प्रिंसिपल्स ने बोले होंगे कि यार इंजीनियरिंग कर लो, आपको जॉब ऐसी मिल जाएगी। कैसे ऐसे मिल जाएगी जॉब, है ना, सुना है आप, राइट। बट नाउ अब हम देखते हैं कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जिसके कॉलेज में कैंपस आ गया वो तो सेट है, बट जिसके कॉलेज में कैंपस नहीं आया उससे तो भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक, सही है। सो गाइस, जॉब्स है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, इतनी कंपनीज है इंडिया में, बाहर जॉब्स है, बट द थिंग इज अभी हमें पता है हम इंजीनियरिंग कैसे क्रॉस करते हैं, हम में वो स्किल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को उठाना नहीं चाहती आज के ज़माने में, उन्हें बस एक्सपीरियंस चाहिए, और कोई लेना भी नहीं चाहती हमें, ताकि हम एक्सपीरियंस हो, सही है। तो इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, लाइक सिया दो ऑप्शन, एक तो पहले दो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। दो ऑप्शन में एक तो भाई कैंपस थ्रू आप प्लेस हो जाओ, नहीं तो दूसरा आप वॉकिंस पर जाओ, पर अगर कैंपस थ्रू हो गए तो बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर एंट्रेंस क्राइटेरिया के बारे में मैं बात करूं तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, आपको GD क्लियर करना पड़ता है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है आपका टेक्निकल एज वेल एज HR इंटरव्यू, राइट। देखो यार, एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ जॉब करने के, तो एक्सपीरियंस होना बिफोर एनी फर्दर स्टडीज, आप चाहे आप स्टडी क्यों ना करना चाहो फर्दर, बट अगर आप जॉब करके स्टडी करते हो तो आपको एक पॉजिटिव एक एडवांटेज ही है वो, ठीक है। क्योंकि देखो, कोई भी क्लासरूम आपको प्रोफेशनल बनना नहीं सिखाएगी, जो कि खुद एक्सपीरियंस करना सिखाता है, ठीक है। और इट मेक्स यू कॉन्फिडेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 4 लोगों से मिल रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपको मार्केट का पता है कि कैसे काम होता है, ठीक है, आपने देखा है काम, वो खुद करके देखा है आपने काम, तो आप कॉन्फिडेंट बनोगे, ठीक है। अब अगर मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास स्किल नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है, तो क्या करना है, नेट्स करके एक पोर्टल है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम का, ये गवर्नमेंट अंडरटेकन पोर्टल है, गवर्नमेंट हैंडल करती है इसे। तो इसमें होता क्या है कि आप इस वेबसाइट में जाके फॉर्म भर सकते हो, वो
वो पर्टिकुलर पोर्टल में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज PSU उसमें टाइप है उनका। तो जो तीन लेटेस्ट 3 ईयर्स की जो पास आउट बैच है फ्रेशर इंक्लूडिंग फ्रेशर बैच, लाइक अगर आप 2019 की बात करें, अभी 2020 है, 2020 की पास आउट बैच प्लस 19 एंड 18, ये 3 साल को ही वो अलाउ करता है ये ट्रेनिंग स्कीम के तहत, ठीक है। तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक HPCL, BPCL, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो वो गूगल पे कि कौन कौन सी कंपनीज उसके अंडर आती है। आपको सिंपल वो फॉर्म भरना है, उसमें एज सून एज यू फिल द फॉर्म आप एलिजिबल हो कोई भी जो भी आपका मन हो वो कंपनी में अप्लाई करने के लिए एक साल की अप्रेंटिस के लिए। तो एक साल जब आप उसमें ट्रेनिंग करोगे, एक साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलता है ये ट्रेनिंग करने के लिए, वो आप एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हो। वो एक साल का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो। गाइस एक और चीज़, ये तो हो गया हमारे चारों ऑप्शन। सो नैट्स की जो लिंक है फॉर्म की वो मैंने वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब गाइस एक और चीज़, सीआर किसी भी स्ट्रीम के साथ आपकी हेटरेट है इसलिए आप वो चेंज करना चाहते हो वैसा मत करो, ठीक है। करियर चूज़ करना है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लाइक मुझे इंजीनियरिंग नहीं पसंद थी, मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए इसलिए मैं मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, या मुझे इन्वायरमेंट नहीं पसंद इसलिए मैं बाहर अदर कंट्रीज में जाके पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा मत करिए। अगर आपको सच में वो स्ट्रीम एक्सप्लोर करना है, उसमें इंटरेस्ट है आपको एंड वो आपको फ्यूचर में आपका ना करियर बनाना है, तो ही आप चाहिए उस स्ट्रीम में, नहीं तो आप सिर्फ अपना टाइम बर्बाद करोगे, ठीक है। ये सब सुनने के बाद आप कन्फ्यूज़ हो कि यार मैं क्या चूज़ करूँ, तो सी गाइस, तो वो आप इंटर्नशिप करिए, ट्रेनिंग्स करिए, वर्कशॉप करिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, अलग अलग लोगों से बातें करिए, प्रोफेशनल्स से बातें करिए, आपका माइंडसेट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, जितने ज़्यादा वर्कशॉप या इंटर्नशिप्स करोगे, आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, यू कैन चूज उस हिसाब से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इसे, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में कि किस टाइप की वीडियो और आपको चाहिए, लाइक वो PGDM या MBA का जो डिफरेंस है उसके बारे में, या नैट्स के बारे में कुछ अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए, या एजुकेशन लोन के बारे में अगर आपको जानना है कि कैसे अप्लाई कर दें, तो आप बिल्कुल पूछिए, वी विल बी हैप्पी टू मेक दैट वीडियो। सो थैंक यू।